छः दिन गुजर चुका है लेकिन अस्पताल से अब तक लौटने की कोई खबर नहीं है अमिताभ बच्चन के परिवार से, उनके बेटे अभिषेक की और ना ही अमिताभ बच्चन की। दोनों ही सदस्य, घर के दोनों ही बड़े सदस्य हॉस्पिटलाइज्ड है, जहाँ एक तरफ अमिताभ बच्चन के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश हॉस्पिटल वालों की जारी है, तो वहीं दूसरी ही तरफ नानावती हॉस्पिटल में अभिषेक बच्चन है, सो अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। हॉस्पिटल से खबर आ रही है कि अभी जब तक अमिताभ बच्चन की दूसरी रिपोर्ट नहीं आती है, टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती है, लगातार ही ये चिंता बढ़ी रहेगी उनकी सेहत की, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ में है सितारे, फिल्म इंडस्ट्री के हर एक सितारे। और सबसे ज़्यादा दुख भरी खबर ये है कि ऐश्वर्या तो सही, ऐश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन भी इस बीमारी से जूझ रही है और इस बीमारी से उन्हें भी अब तक छुट्टी नहीं मिल पाई है। 6 दिन हो चुका है लेकिन हॉस्पिटल पहुंचे अमिताभ और अभिषेक को ऐश्वर्या आराध्या की ट्रीटमेंट के बीच उनकी सेहत में पूरी तरह से सुधार की खबर अब तक पुष्टि के साथ नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब सबसे ज़्यादा तकलीफ दे ये है कि जहाँ एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री आराध्या बच्चन, ऐश्वर्या और उनके पूरे परिवार की सेहत में सुधार के लिए दुआएं कर रही है, वहीं दूसरी ही तरफ अगर देखा जाए तो आराध्या के परिवार को के बीच उन्हें लेकर कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ, जिसके कारण फैंस को चिंता है। और तो और दादा अमिताभ अपनी पोती के बिना जो एक दिन नहीं गुजारते थे, उनके लिए इस वक्त अपनी पोती को बीमार होते हुए भी उन्हें ही संभालते हुए की मजबूरी को झेलना कितनी तकलीफ दे है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।